बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार अब जो है सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में क्या जातिगत जनगणना होगा, क्योंकि बिहार का डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जब बिहार लौटा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इंतज़ार कीजिए, सकारात्मक जवाब आएंगे। देखिए, लेकिन जो बयानबाजी है वो अब थम नहीं रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जातिगत जनगणना को लेकर के जो पिछले दिनों बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, बीजेपी के अंदर कई मुद्दों पे लोग कई तरह के बयान दे देते हैं। देखिए, इसको लेकर के जब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से हमने बातचीत की है और हमने यही सवाल पूछा कि क्या आप लोग के पार्टी के अंदर गतिरोध है, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बीजेपी में, चूँकि ये बात हम नहीं, ये बात उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो लगातार कह रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने साफ तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब प्रधानमंत्री से भी ऊपर के नेता हैं, लगता है वो बड़े नेता हैं, हम नहीं जानते कुछ क्योंकि हम उस लेवल के नहीं हैं। क्या कह रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, आपको सीधे वो बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि जातिगत जनगणना, दरअसल आपको पता है कि बिहार में डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जब पहुंचा है बिहार, चूंकि उस डेलीगेशन में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सब के नेता पहुंचे थे, हर पार्टी के नेता पहुंचे थे वहां पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। बातचीत हुई है प्रधानमंत्री से, अब नीतीश कुमार खुद मुस्कुराते हुए कहते हैं इंतज़ार कीजिए, तो बिल्कुल इंतज़ार करना होगा। लेकिन इधर बयानबाजियों की बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार जातीय जनगणना को लेकर के बिहार का जब भ्रमण कर रहे हैं तो वहाँ भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की हम बात आपको बता रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने साफ तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जो उनका लेवल है वो बढ़ गया है, वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर के नेता हो गए हैं। तो आपको सीधे सुनाते हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के उस पूरे बयान को, वो जातीय जनगणना और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को, बीजेपी से विधायक हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के आप लोग में इतना मतभेद क्यों चल रहा है, आखिर क्लियर क्यों नहीं कर रहे कि जातीय? अब वो तो ऊपर में जो लोग जाने, ऊपर में अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लेवल का चीज़ है, वो लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री ने बात सुनी है, ये किया है, वो लोग निर्णय लेंगे, उसमें हम लोग कहीं नहीं होते। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि बीजेपी में ही गतिरोध है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है इतने बड़े नेता हैं कि वो अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ऊपर के नेता हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं, वो अपना बोल सकते हैं। आपके मुख्यमंत्री कुशवाहा, हाँ, हम उस लेवल के नहीं है कि हम कोई इसमें निर्णायक कोई बात बोल सकते हैं, इसमें वो अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लेवल का चीज़ है, वो लोग ये कर सकते हैं।